मैंगो डेजर्ट बन गया, चॉकलेट डेजर्ट बन गया, तो आज बनाते हैं स्ट्रॉबेरी का डेजर्ट। तो सबसे पहले मैं एक कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ। एक्चुअली स्ट्रॉबेरी चॉकलेट एंड वनीला दोनों के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है, तो इसके लिए मैं पहले कस्टर्ड बना रही हूँ। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दूध गर्म करने रखा है और ये मेरे पास 1/4 कप में डाइल्यूट किया हुआ वनीला कस्टर्ड पाउडर है, वो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी इसको इसमें डाइल्यूट कर सकते हैं, बस वनीला फ्लेवर देने के लिए उसमें वनीला एसेंस थोड़ा सा डाल दीजिएगा, तो वो आपको वनीला कस्टर्ड, वो येलो कलर नहीं आएगा बट वनीला कस्टर्ड मिल जाएगा। और अब ये गर्म दूध में मैं 1 टेबलस्पून शक्कर डाल रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ी शक्कर और भी डाल सकते हैं। दूध गर्म हो गया है, अब मैं कस्टर्ड पाउडर ये डाइल्यूट किया हुआ डाल देती हूँ और अब इसको कंटिन्यू हम स्टर करेंगे। कस्टर्ड पाउडर अगर कंटिन्यू स्टर नहीं करेंगे ना तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा पॉट में और उसके बहुत बड़े बड़े लम्स बन जाएंगे और उसके बाद कस्टर्ड आप कभी फिर वो ठीक नहीं कर पाएंगे। तो 5 से 7 मिनट ही लगते हैं पकने के लिए। एक्चुअली कस्टर्ड बनाते वक्त ना आप इसके अंदर क्रीम भी डाल सकते हैं, जो कुकिंग क्रीम आता है ना वो भी डाल सकते हैं, बट बहुत लोगों को अभी भी कुकिंग क्रीम नहीं मिल रहा है तो आज मैं प्लेन कस्टर्ड ही दूध वाला ही बना रही हूँ, क्योंकि दूध तो आसानी से मिल जाता है। ये देखिए कस्टर्ड कितना अच्छा बना है ना, एक भी लंप नहीं है और बहुत अच्छा बना है, थिक भी हो गया है। बस हमें यही वाला कस्टर्ड चाहिए। और कस्टर्ड क्या होता है ना, जब ठंडा होता है तो और भी थिक होने लगता है, तो जब ये स्पून को कोल्ड होने लगे, अभी देखिए आपको कब पता चलेगा कि कस्टर्ड परफेक्ट बन गया है, आप ऐसा स्टर करके स्पून ऐसा करेंगे ना तो बीच में ये ब्रिज बन जाएगा। तो मैं अब इसको ले लेती हूँ और मुझे अभी इसमें से ही चॉकलेट कस्टर्ड बनाना है। दोनों कस्टर्ड के साथ मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी डेजर्ट, वनीला एंड चॉकलेट। तो ये वनीला कस्टर्ड तो रेडी है, बस इसमें से ही हम चॉकलेट कस्टर्ड बना देंगे। मैं बोल में थोड़ा सा कस्टर्ड निकाल देती हूँ, मतलब हम लोग हाफ एंड हाफ करेंगे। ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, मैं ये निकाल देती हूँ। और अब मेरे पास ना ये जो हम चॉकलेट स्प्रेड लाते हैं ना, नटेला वाला हेजलनट स्प्रेड, मेरे पास वो पड़ा है, तो गरम कस्टर्ड में ही मैं ये हेजलनट स्प्रेड डाल दी हूँ। अगर आपके पास हेजलनट स्प्रेड नहीं है तो आप ये जो नॉर्मल वाली चॉकलेट आती है ना, मिल्क चॉकलेट, वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो हेजलनट स्प्रेड है मैं डाल देती हूँ। ये कस्टर्ड को हमें बिल्कुल ठंडा करना है डेजर्ट बनाने के लिए, और ये चॉकलेट वाला कस्टर्ड भी हम मिक्स कर देते हैं। गरम में ही मिक्स करेंगे ना तो तुरंत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितना आसान है ना, ये हमें मिल गया चॉकलेट वाला कस्टर्ड। मैं तो है ना कभी कभी क्या करती हूँ ना, बहुत स्वीट की क्रेविंग होती है ना, तो अगर स्ट्रॉबेरी घर में पड़ी है तो ये हेजलनट स्प्रेड के अंदर ऐसे ही डिप करके मैं खा जाती हूँ। ये मेरे दोनों ही कस्टर्ड ठंडे हो चुके हैं। एक्चुअली कस्टर्ड आप थोड़ा सा पहले बना दो ना डेजर्ट बनाने से पहले, तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, और फ्रिज में जब भी रखते हैं ना तो उसको कभी भी ऐसे खुला नहीं रखते हैं, ऊपर से वो प्लास्टिक रैप आता है ना वो एकदम टच हो वहां तक उसको ढक के फिर फ्रिज में रखिएगा, तो वो परत नहीं जमेगी इसके ऊपर। ये देखिए मेरे दोनों ही कस्टर्ड रेडी है, अब बनाते हैं डेजर्ट स्ट्रॉबेरी का। तो मैं ये बहुत ही अमेजिंग सी बड़ी वाली स्ट्रॉबेरीज मुझे मिली है, तो मैं पहले ना ये स्ट्रॉबेरी की स्लाइस काट लेती हूँ। मुझे ये पतली सी स्लाइस चाहिए, ये ऐसे मैं स्ट्रॉबेरीज की स्लाइस काट लेती हूँ। एक्चुअली ये लॉकडाउन है ना तो ये डेजर्ट मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, वरना ये वाले डेजर्ट में जब क्रीम चीज डाल के या तो फिर मैस्कारपोने चीज डाल के बनाते हैं ना, वो इतना अच्छा लगता है। ग्लास ले रही हूँ और ये जो स्लाइस
कट की है ना स्ट्रॉबेरी की, मैं वो ग्लास में ऐसे प्लेस कर देती हूँ। ये देखिए, जस्ट मेक श्योर कि ये बॉटम को टच कर सके, इसीलिए बहुत बड़ा ग्लास नहीं लीजिएगा वरना वो जा नहीं पाएगा। दिस इज जस्ट अच्छा दिखता है, तो मैं ये यहाँ पे रख रही हूँ। और अभी आराम से मैं इसके अंदर ये सबसे पहले चॉकलेट वाला कस्टर्ड डाल रही हूँ। अब ये चॉकलेट कस्टर्ड के ऊपर मैं डाल देती हूँ ये वेनिला कस्टर्ड। एक्चुअली इसके साथ आप कुछ भी मिसमैच कर सकते हो, आप इसके बीच में शेव किया हुआ चॉकलेट भी डाल सकते हो, पर मैं आज बहुत ही सिंपल डेजर्ट बना रही हूँ सो दैट कोई भी बना सके, मतलब आपके बच्चे भी ये बना सके। अब मैं ये वेनिला कस्टर्ड डाल देती हूँ। मेरे पास ना ये ब्रेड का मैंने राउंडल काटा है, यही वाले ग्लास की साइज से मैंने ये ब्रेड का राउंडल काटा है। बेसिकली ब्रेड क्या करेगा ना, कस्टर्ड का मॉइस्चर पकड़ के आपको एक वो केक जैसी फील देगा, क्योंकि अभी केक मिलना भी मुश्किल है, तो ये मैं बीच में डाल देती हूँ। एंड ये ब्रेड और भी क्या करेगा ना, मैं इसके ऊपर फ्रेश स्ट्रॉबेरी के पीसेस डाल रही हूँ, तो उसमें से जो पानी निकलेगा वो उसको सोक कर लेगा, तो हमारे लेयर्स जो है वो काफी क्लीन रहेंगे। अब ये कट स्ट्रॉबेरी जो है ना मेरे पास, मैं इसके अंदर ये 1 टीस्पून कोई भी जैम डाल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी स्ट्रॉबेरी ना खट्टी आ जाती है। अगर आपके पास जैम नहीं है तो आप थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं, पर वो शक्कर डाल के आप 5 मिनट छोड़ दीजिए, क्योंकि वरना शक्कर के ग्रैन्यूल्स आएंगे चबाने में, 5 मिनट में वो पिघल जाएगी। ये मैंने डाल दिया जैम, और अब ये स्ट्रॉबेरीज मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और हल्का सा प्रेस करती जाऊंगी मैं। और सबसे ऊपर वापस से मैं ये जो नटेला वाला कस्टर्ड बनाया था ना, चॉकलेट कस्टर्ड, वो डाल देती हूँ। और ऊपर मैं कुछ ये कटी हुई स्ट्रॉबेरीज डाल देती हूँ वापस से, क्योंकि अरे स्ट्रॉबेरी डेजर्ट बना रहे हैं। मैं ये छोटा सा पुदीने का पत्ता भी रख देती हूँ, जस्ट टू लुक प्रिटी। तो लीजिए, तैयार है मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी डेजर्ट। ये कितना सुंदर लग रहा है ना, उतना ही खाने में डिलीशियस है। और अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। आप कोई भी कस्टर्ड डेजर्ट बनाए ना, उसको हमेशा सेटिंग टाइम देना बहुत जरूरी है, कम से कम 3 से 4 घंटे। तो ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, डिनर तक रेडी हो जाएगा। ये देखिए मेरे सारे डेजर्ट तैयार है, मैंने ये छोटा वाला भी बनाया है, दिस इज फॉर मी। ये बड़ा वाला इतना सारा तो नहीं खा सकते, तो आप ऐसे छोटे वाले भी बना सकते हैं। सी ये भी कितना प्यारा लग रहा है ना, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। एंड इट्स फाइनली टेस्टिंग टाइम। आई एम इन हेवन, चॉकलेट हेवन, स्ट्रॉबेरी हेवन, वेनिला हेवन।